नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। अनूपगढ़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रतनलाल सारस्वत बने। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अनूपगढ़ राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई अनूपगढ़ की आम सभा स्थानीय ब्राह्मण धर्मशाला में नई कार्यकारिणी को लेकर रखी गई। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र गौड़ ने की। वे विशिष्ट अतिथि वर्तमान अध्यक्ष रमेश शर्मा कमरानिया, वे पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज, पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर ठाकरानी, पूर्व अध्यक्ष सीताराम सारस्वत, श्रीमती चंद्र ओझा ने भगवान परशुराम लोक सेवक कल्याण मंच के अध्यक्ष भूरा प्रसाद शर्मा, नवयुग मंडल के अध्यक्ष कमल तावणिया थे। बैठक का शुभारम्भ भगवान परशुराम जी के चित्र के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात निर्वर्तमान कोषाध्यक्ष गोपी किशन ओझा ने गत 3 वर्षों का लेखा जोखा सदन में रखा। बैठक में मंच संचालन करते हुए मनसुख सारस्वत वे राजेश शास्त्री ने आगामी अध्यक्ष के चुनाव हेतु आम सभा में उपस्थित समाज के लोगों से विचार मांगे तो रतनलाल सारस्वत वे मनोज जोशी का नाम प्रस्तावित हुए, जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंच पर बैठे समाज के वरिष्ठ लोग अलग बैठकर दोनों में से एक नाम अध्यक्ष पद के लिए तय करेंगे, वो सभी को मान्य होगा, जिस पर सभी ने सहमति जताई और मंच पर बैठे समाज के विशिष्ट लोगों ने अकेले बंद कमरे में विचार विमर्श कर रतनलाल सारस्वत के नाम की घोषणा की। आगामी अध्यक्ष के लिए जिस पर सदन ने सहमति दी, अध्यक्ष पद की घोषणा होने पर रतनलाल सारस्वत को समाज के लोगों ने माला पहनाकर बधाई दी और इस बैठक में बंसीलाल सारस्वत, गोपाल साखी, आत्माराम तिवाड़ी, राजेंद्र जोशी, नरेंद्र भोजक, मूलचंद जस्सू, आदेश शर्मा, एडवोकेट रमेश सारस्वत, बार संघ के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, बनवारीलाल पारीख, भगवाना राम सारस्वत, कुलदीप गौड़, महेंद्र शर्मा, जेठाराम सारस्वत, बंसीलाल सारस्वत, अशोक भोजक, चुन्नीलाल तावनिया, राकेश सारस्वत एडवोकेट सहित समाज के सैकड़ों लोग बैठक में उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि रतनलाल सारस्वत की पुत्रवधु पिंकी सारस्वत वर्तमान में पार्षद है। समाज के लिए, उसके लिए समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा और हम आगे की ओर बढ़ते हुए बगैर किसी भेदभाव के, बिना किसी मन मुटाव के, चुनाव एक प्रक्रिया है, जो भी अध्यक्ष बनता है इससे पूर्व जो बने हैं उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने लोग ही जिम्मेवार हैं। शायद अपने को पूर्व अध्यक्ष सभी अच्छे मिले, चाहे वो प्रारंभिक में सीताराम जी हो या नरेंद्र भारद्वाज जी हो या ठाकरानी जी हो, रमेश जी हो, अपने उनमें तो कमियां ढूंढते हैं लेकिन कभी अपने आप को नहीं देखते कभी इसकी जिम्मेवार कौन है। ये इतने व्यस्त होते हुए भी अपने को समय देते हैं। ये धर्मशाला अस्तित्व में आई इसके लिए जो पूर्व में जिन्होंने दिन रात एक किया, पैसा लगाया, हमें उनका आभारी होना चाहिए। हम कुछ चर्चाएं आई, हमारा अच्छा खासा वातावरण होता है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बीच में कहीं ना कहीं से कोई बात आ जाती है, पिछली कार्यकारिणी ने हिसाब नहीं दिया, इसमें ये कमी।